माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। आज हमारा विषय है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। यह विषय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स के फिफ्थ सेमेस्टर का विषय है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक WLL एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर। आउटकम ऑफ द मॉड्यूल। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल नो अबाउट कंसेप्ट, फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द वायरलेस लोकल लूप। यहाँ पर हमने दो टेक्नोलॉजीज ली हैं आज के लेक्चर के लिए। पहली टेक्नोलॉजी है वायरलेस इन लोकल लूप। तो इस मॉड्यूल के अंत में हमारे छात्र जो हैं इस टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट, फीचर्स और आर्किटेक्चर को समझ सकेंगे। सेकेंड आउटकम है एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल स्टूडेंट विल नो अबाउट कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो इस मॉड्यूल के अंत में हमारे छात्र जो हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट, फीचर्स और आर्किटेक्चर को समझ सकेंगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वायरलेस लोकल लूप, शॉर्ट फॉर्म में WLL। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि वायरलेस लोकल लूप क्या है। वायरलेस लोकल लूप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी इन द एक्सेस नेटवर्क, लास्ट माइल नेटवर्क ऑफ TCP/IP। इसको हम समझते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। जो TCP है इसका मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये दोनों आजकल एक ही हो सकते हैं, जैसे कि एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, जियो है। ये सब जो है TSP और ISPs हैं जो कि यूज़र्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो TSPs हैं ये इनकी जो नेटवर्क बिछाते हैं, ये नेटवर्क पूरे सिटी में कवर बिछाते हैं अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए। इस नेटवर्क का जो एक्सेस नेटवर्क है जो कि लास्ट माइल नेटवर्क कहलाता है, लास्ट माइल नेटवर्क अर्थात वो नेटवर्क जो कि कस्टमर के घर तक या ऑफिस के प्रमाइसिस तक पहुँचता है, तो उस नेटवर्क को हम एक्सेस नेटवर्क या लास्ट माइल नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क जो है ये जब वायरलेस हो जाता है तब उसको वायरलेस इन लोकल लूप कहा जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी को वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसमें लास्ट माइल नेटवर्क वायरलेस हो। पॉइंट नंबर टू, सब्सक्राइबर इज़ कनेक्टेड टू द नियरेस्ट एक्सचेंज थ्रू अ रेडियो लिंक इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं WLL के, वो अपने नियरेस्ट एक्सचेंज से रेडियो लिंक के द्वारा जुड़े रहते हैं, ना कि वायर्ड कॉपर वायर के द्वारा। पॉइंट नंबर थ्री, WLL इज़ चीपर एंड क्विकर देन कॉपर वायर कनेक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि WLL क्यों लाया गया। तो WLL जो है वो कॉपर वायर कनेक्टिविटी से ज़्यादा चीप है और उसको इंस्टॉल करना भी क्विक है, यानी कि कम समय लेता है। इसीलिए WLL जो है वो उसका इन्वेंशन हुआ और उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन हुआ। पॉइंट नंबर फोर, इट इज़ एन अपग्रेडेशन इन द एग्जिस्टिंग कोर नेटवर्क ऑफ PSTN। तो हम देखते हैं कि WLL जो है वो एक्चुअली कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग कोर नेटवर्क ऑफ PSTN। PSTN का मतलब है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो है वो लैंडलाइन नेटवर्क का ही टेक्नोलॉजिकल टर्म है, टेक्नोलॉजिकल नेम है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये जो है लैंडलाइन नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क। तो इसी को अपग्रेड किया गया। PSTN नेटवर्क में क्या है कि यूज़र के घर तक वायर जाता है, कॉपर वायर जाता है। तो पहले जब यूज़र्स कम हुआ करते थे तो इसको करना आसान होता था, लेकिन जैसे जैसे टेली कम्युनिकेशन का उपयोग बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो लाखों से करोड़ों में पहुंच गए, तब जो है घर घर तक कनेक्टिविटी देना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। खासकर कि डेंस एरियाज़ में कनेक्टिविटी देना मुश्किल है, या फिर ज्योग्राफिकली जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, रिवर्स हैं, ऐसी जगह पर भी नेटवर्क बिछाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय
जो यूज़र के घर तक अगर वायरलेस कनेक्टिविटी दे दी जाए तो ये काम आसान हो जाता है। इसीलिए वायरलेस इन लोकल लूप जो है वो उसके ऊपर काम हुआ, उस पर रिसर्च हुई और उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। पॉइंट नंबर 5, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड वायरलेस बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोवाइड मूवमेंट टू यूज़र्स। अब इसको हम वायरलेस भी कह रहे हैं लेकिन इसको हम फिक्स्ड भी है, ये सर्विस फिक्स्ड है क्योंकि ये वायरलेस जो है वो अपने टावर से लेके घर के छत पे जो एंटेना लगा हुआ है वहाँ तक ये वायरलेस है, लेकिन उसके अंदर जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं घर के अंदर, जो भी यूज़र टर्मिनल्स हैं वो सब फिक्स्ड रहते हैं। अर्थात ये यूज़र को मूवमेंट प्रदान नहीं करता है, यूज़र को अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर बैठ कर ही इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये एक तरह से फिक्स्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। पॉइंट नंबर 6, DECT डिजिटली एनहेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन इस पॉपुलर WLL टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड इन यूरोप। अब हम देखते हैं कि WLL की टेक्नोलॉजी कौन सी जो है वो कमर्शियली डिप्लॉय की गई, तो उसका नाम है DECT जो कि यूरोप में जो है डिप्लॉय की गई, यूज़ की गई। पॉइंट नंबर 7, इट यूटिलाइजेस 2 to 5 GHz फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर वायरलेस मोड है ट्रांसमिशन का, तो नेचुरली यहाँ पर रेडियो वेव्स लगेंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है रेडियो वेव्स ट्रैवल करेंगी ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक। तो जो स्पेक्ट्रम यूज़ होता है वो 2 GHz के आसपास का स्पेक्ट्रम और 5 GHz के आसपास जो स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो WLL में उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, WLL इज़ नाउ ऑब्सोलेट एंड रिप्लेस्ड बाय मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक GSM, CDMA, LTE। अब अंत में हम ये देखते हैं कि WLL जो है वो ऑब्सोलेट भी होते जा रहा है क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि वायरलेस भी हैं और जो यूज़र्स को भी मोबिलिटी दे रही हैं और बहुत अच्छा डेटा स्पीड भी दे रही हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मोबाइल की वो उसमें GSM है, CDMA, LTE इत्यादि अनेकों मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं और मोबिलिटी भी प्रदान कर रही हैं। तो इस तरह से इन टेक्नोलॉजीज़ के आने के बाद इन्होंने WLL को सुपरसीड कर दिया, यानी कि WLL का उपयोग जो है वो कम हो गया। अब जो है WLL का उपयोग जो है मात्र ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर कि ज्योग्राफिकली डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर WLL जो है उपयोग किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको पढ़ भी रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब एनहेंस होती है तो उसके पीछे एक उसकी हिस्ट्री भी रहती है, तो उसको जानना भी है बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो भले ही हम आज के समय WLL का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करते फिर भी WLL को समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो है आर्किटेक्चर बना हुआ है WLL का, यहाँ हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा ये यहाँ पर एक होम दिखाया गया है, इस होम के अंदर एक फैक्स दिखाया गया है, एक PC दिखाया है और एक टेलीफोन दिखाया है। तो ये सब जो है एक वायर से जुड़े हुए हैं और ये सब जुड़ के वायर से इस ब्लॉक पर आए हैं। इस ब्लॉक का नाम है WASU और ये घर के ऊपर ही लगा हुआ है ये डिवाइस और इसके ऊपर जो है ये एंटेना लगा हुआ है, है ना। अब इस एंटेना से जो है ये एंटेना से वायरलेस कनेक्शन हो गया इस एंटेना के ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो फिगर है ये लोकल एक्सचेंज ऑफिस है ना, एक्सचेंज ऑफिस में भी टावर्स लगे हुए हैं और टावर के ऊपर एंटेना लगा हुआ है। इस लोकल एक्सचेंज ऑफिस में WANU नाम की जो डिवाइस लगी हुई है ना, वो जो है इस वायरलेस कनेक्टिविटी को प्रदान कर रही है। तो WANU और WASU ये दोनों जो है नई डिवाइसेस लगाई गई हैं ताकि जो एक्सेस नेटवर्क है यानी कि जो यूज़र के घर तक का नेटवर्क है उसको वायरलेस बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर 2 और फिगर बनाए हुए हैं, ये स्विच फंक्शन है मतलब कि एक्सचेंज है जहाँ पर स्विचिंग होती है टेलीफोन की, और ये जो है PSTN है, PSTN का फुल नेम जो है यहाँ लिखा हुआ है मैंने, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, है ना, ये पूरा का पूरा लैंडलाइन ओल्ड लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क है, है ना। हम यहाँ देखते हैं WANU का फुल नेम क्या है, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क यूनिट, और दूसरा है WASU यानी वायरलेस सब्सक्राइबर, वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर यूनिट। ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये दोनों यूनिट्स मिलकर WLL जो है टेक्नोलॉजी बना रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं
WANU जो है ये कहाँ पर लगा हुआ है, एक्सचेंज में लगा हुआ टावर है, और इसके अंदर जो है एक ट्रांसमीटर रिसीवर है, एक WLR कंट्रोलर है, और HLR यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर भी है। तो ये सब मिलकर जो है इस WANU का काम करते हैं, है ना, नेटवर्क यूनिट का। और जो यूज़र के घर पर भी एक डिवाइस लगा हुआ है जो है WASU यानी कि वायरलेस एक्सेस सब्सक्राइबर यूनिट, सब्सक्राइबर यानी कि कस्टमर होता है ना। तो WASU इसका नाम है। अब इसके अंदर भी नेचुरली एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, और यहाँ पर जो है एंटेना है ना। तो इस तरह से ये सिंपल चेंज किया गया PSTN नेटवर्क में, एक छोटा सा बदलाव लाके WANU को लगाया और WASU को लगाने से ये वायरलेस नेटवर्क बन गया जो कि वायरलेस इन लोकल लूप कहलाया। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है इसका, है ना। लेकिन अब इसका उपयोग जो है, जैसा कि मैंने बताया कि अब मोबाइल टेक्नोलॉजीज आने के कारण WLL का उपयोग जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो अब हम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसके फीचर्स को हम देखेंगे। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP इज अ टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो ये जो है वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा मोबाइल यूज़र्स जो हैं, मोबाइल वायरलेस यूज़र्स जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इन ओवर द इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से। पॉइंट नंबर टू, WAP टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 2000s टू प्रोवाइड सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी टू मोबाइल यूज़र्स, ठीक है। अब हम 2000 की जब बात करते हैं, सन 2000 की, तो हम देखते हैं कि उस समय हमारे पास बहुत ही साधारण फ़ोन होते थे, है ना, छोटा सा फ़ोन हमारा कीपैड वाला फ़ोन होता था, ठीक है, और उससे हम वॉइस करते थे या SMS करते थे, थोड़ा बहुत उसमें हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाते थे। तो उस समय जो है इंटरनेट भी मौजूद था और इंटरनेट पर, इंटरनेट को हम यूज़ करने के लिए कंप्यूटर का सिस्टम का, कंप्यूटर टर्मिनल या लैपटॉप को यूज़ करना ज़रूरी होता था, है ना। तो हम मोबाइल के द्वारा इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाते थे, इसीलिए WAP का इन्वेंशन हुआ। WAP के इन्वेंशन के बाद से मोबाइल यूज़र्स भी इंटरनेट को सीमलेसली या बहुत ही इजीली इंटरनेट कंटेंट को यूज़ करने लगे। तो इस तरह से WAP टेक्नोलॉजी जो है वो मोबाइल यूज़र्स को इंटरनेट से जोड़ने के लिए बहुत काम आई। पॉइंट नंबर थ्री, अर्लियर मोबाइल फ़ोन्स हैड इनसफिशियंट कॉन्फिगरेशन टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट सर्वर्स, स्मॉल रैम, स्लो प्रोसेसर एंड लिमिटेड इंटरनल मेमोरी डिज़ाइन फॉर ओनली वॉइस कॉल्स एंड SMS। तो यहाँ पर जो है पुराने मोबाइल फ़ोन्स का कॉन्फिगरेशन के बारे में बताया गया है कि जो फ़ोन्स सन 2000 के आसपास जो मिलते थे हमको, हमें याद होगा हमको उस समय नोकिया बहुत पॉपुलर हुआ करता था, नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन जो है वो हम यूज़ करते थे। लेकिन उस समय हम याद करें कि उस समय उसका रैम बहुत कम होता था, कुछ मेगा बाइट्स में होता था, है ना, और प्रोसेसर भी स्लो होता था, उसकी इंटरनल मेमोरी भी ज़्यादा से ज़्यादा 512 कुछ MB ऐसे कुछ मेमोरी होती थी, 1 GB तो बहुत ज़्यादा कहलाती थी, है ना। तो उस समय जो है इतने छोटे कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल फ़ोन्स आते थे, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ था वो भी ज़्यादातर वॉइस कॉल और SMS कॉल करने के लिए ही होता था। इंटरनेट के लिए उस समय वो इंटरनेट नया नया उपयोग शुरू हुआ था, तो ये मोबाइल यूज़र्स जो है, मोबाइल फ़ोन जो है वो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं बनाया गया था शुरू में। लेकिन क्या हुआ कि दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ एक साथ प्रोग्रेस करने लगी। एक तरफ तो इंटरनेट का यूज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, इंटरनेट पे कंटेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगे, और ऑफिशियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इंटरनेट का यूज़ जो है वो बढ़ने लगा। तो इसके साथ साथ जो है ज़रूरी हो गया कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उस पर भी इंटरनेट को एक्सेस किया जा सके, इसीलिए WAP टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर रिसर्च हुई, उसके ऊपर प्रोफेशनल्स ने और कंपनीज ने काम किया और ये स्टैंडर्ड डेवलप किया। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर, अर्लियर मोबाइल फ़ोन्स यूज्ड माइक्रो ब्राउजर्स टू ब्राउज इंटरनेट एट स्लो डेटा रेट, कुड नॉट यूज़ इंटरैक्टिव डेटा सर्विसेज।
तो पहले जो मोबाइल फोन्स होते थे उनमें माइक्रो ब्राउज़र होता था, जैसे कि अभी हम ब्राउज़र यानी कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि गूगल का क्रोम है या ओपेरा है या फायरफॉक्स है, ये सब ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़ करने के लिए जो है ये जब फ़ोन पे जब ये ब्राउज़र डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो वो माइक्रो ब्राउज़र होता है ना। तो अर्लियर जो फ़ोन्स होते थे, पुराने समय के फ़ोन्स, उस पर माइक्रो ब्राउज़र्स होते थे और उस समय डेटा की स्पीड भी बहुत कम होती थी, है ना, क्योंकि उस समय सेकेंड जनरेशन का GSM वगैरह जो है फ़ोन की टेक्नोलॉजी थी, तो डेटा स्पीड भी बहुत कम होती थी, तो यूज़र्स जो हैं वो इंटरनेट को भी एक्सेस नहीं कर पाते थे। और इंटरेक्टिव, अगर कुछ इंटरेक्टिव सर्विस लेनी है इंटरनेट की, वो भी जो है यूज़ नहीं कर पाते थे पुराने फ़ोन से। तो इन सब चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए वेब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। पॉइंट नंबर 5 हम पढ़ते हैं, वेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन मोबाइल यूजर्स एंड इंटरनेट। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या करती है कि मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करती है। इस इंटरफेस के आने के बाद से जो मोबाइल यूजर्स हैं वो बहुत ही आसानी से इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं, उसके जो भी सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सीमलेस कनेक्टिविटी हो गई मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट के बीच में। पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं हम, मोबाइल यूजर्स कैन एक्सेस ऑल कंटेंट ऑन इंटरनेट थ्रू वेब गेटवे, है ना। तो वेब टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेब गेटवे। तो वेब गेटवे के थ्रू जो मोबाइल यूजर्स हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट के कंटेंट को एक्सेस कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 7, इंटरनेट कंटेंट इन HTML इज़ कन्वर्टेड इंटू XML फॉर मोबाइल फ़ोन, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंटरनेट का जो कंटेंट है वो सब HTML लैंग्वेज में लिखा रहता है। HTML का जो फुल नेम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो इस और जो मोबाइल फ़ोन पे जब वेब लाया गया, है ना, तो उसका जो कंटेंट है उसका लैंग्वेज जो है वो XML लैंग्वेज हो गई। XML यानी कि वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो इस लैंग्वेज का उपयोग किया गया। तो जो वेब गेटवे जो है वो HTML कंटेंट को XML कंटेंट में कन्वर्ट भी कर देता है। आइए हम अगला स्लाइड देखते हैं अपना क्या है। यहाँ पर हमको आर्किटेक्चर ऑफ वेब दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले वो है मोबाइल क्लाइंट। ये देखिए फ़ोन भी यहाँ पर पुराने टाइप का दिखाया गया है, कीपैड वाला, है ना। तो ये जो है मोबाइल यूज़र है। मोबाइल यूज़र जो है वो अपने बियरर नेटवर्क यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का जो ये नेटवर्क है, बियरर नेटवर्क, ठीक है, ये कोई भी जियो का नेटवर्क हो सकता है, एयरटेल का, BSNL का, वोडाफोन का, किसी भी टाइप का, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क। तो मोबाइल फ़ोन जो है वो इस बियरर नेटवर्क के थ्रू इस वेब गेटवे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वेब गेटवे का काम बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वेब गेटवे का, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और वेब गेटवे जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ना। और इंटरनेट पे वेब सर्वर्स हैं। वेब सर्वर्स जो हैं वो बहुत सारे सर्वर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप का कंटेंट्स और सर्विसेज जो है वो इंटरनेट यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे मोबाइल के बीच में और इंटरनेट के बीच में जो है ये वेब वेब का गेटवे है। ये वेब का गेटवे जो है उसी के कारण मोबाइल यूज़र्स इस इंटरनेट के कंटेंट्स को आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज लाइक ईमेल, ब्राउजिंग, चैटिंग, फाइल ट्रांसफ़र, इंटरेक्टिव सर्विसेज टू द यूज़र्स। तो ये तो ठीक है, वेब सर्वर्स ऐसे सर्वर्स हैं जो कि बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं। देन अपन देखते हैं वेब गेटवे। वेब गेटवे क्या है, कन्वर्ट्स ऑल वेब प्रोटोकॉल्स टू TSP प्रोटोकॉल्स एंड वाइस वर्सा, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गेटवे है वो क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो ये जो है इट इज़ एक्टिंग एज एन इंटरफेस, है ना, बिटवीन इंटरनेट एंड बिटवीन बियरर नेटवर्क, है ना, या वायरलेस फ़ोन नेटवर्क, इन दोनों के बीच में ये एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है ना। जो इंटरनेट जो है वो पूरा का पूरा TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है इंटरनेट, है ना। और यहाँ पर जो है इन्होंने वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया है ना, जो कि मोबाइल क्लाइंट्स को
इंटरनेट की कनेक्टिविटी देगा, है ना। तो गेटवे क्या करता है, वेब गेटवे, इट कन्वर्ट्स वेब प्रोटोकॉल्स, है ना, वेब प्रोटोकॉल्स टू टीएसपी प्रोटोकॉल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि दोनों चीज़ करता है। वेब प्रोटोकॉल्स को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में चेंज करेगा, या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का कोई पैकेट अगर आ रहा है तो उसको वेब प्रोटोकॉल में चेंज करेगा, क्योंकि डेटा जो है वो इंटरनेट के से दोनों तरफ आती भी है और जाती भी है ना। इंटरनेट से डेटा जो है मोबाइल फ़ोन तक भी आता है, और मोबाइल फ़ोन से डेटा इंटरनेट को भी जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो एक तरफ जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है इंटरनेट की तरफ, और मोबाइल क्लाइंट्स की तरफ जो है वो वेब प्रोटोकॉल है, ठीक है। और दूसरा काम है गेटवे का क्या है, दैट इज़ टू कन्वर्ट द लैंग्वेज HTML इनटू XML एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं इनकी, इनको कन्वर्ट करता है, है ना, HTML को XML में और XML को HTML में, ओके। अब हम देखते हैं बियरर नेटवर्क क्या है। तो बियरर नेटवर्क सिंपल है, इट इज़ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेब गेटवे है, इट इज़ एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द बियरर नेटवर्क एंड द इंटरनेट टू प्रोवाइड सीमलेस इंटरनेट सर्विसेज टू द मोबाइल यूजर्स। अभी जो है, अब हम यहाँ पर वेब प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ेंगे, है ना, मतलब वेब प्रोटोकॉल्स के में क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम यहाँ पर इन लेयर्स के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर में दर्शाया गया है, सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, इसके नीचे सेशन लेयर, ट्रांजेक्शन लेयर, सिक्योरिटी लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो है WAE। WAE के बारे में यहाँ पर दिया गया है, वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर इंटरनेट सर्विसेज, है ना। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये यूज़र के फ़ोन में रहेगा ये प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल यूज़र को जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा इंटरनेट सर्विसेज के लिए, है ना, और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करेगा इंटरनेट पे जो भी सर्विसेज इसको लेना है, ईमेल करना है उसको, या कुछ म्यूज़िक सुनना है, कुछ यूट्यूब देखना है, या कुछ डाउनलोड करना है, है ना, तो उसके लिए ये प्रॉपर इंटरफेस बनाएगा यूज़र के लिए। इसलिए इसका नाम है वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो ये वेब का टॉप लेयर है, वेब प्रोटोकॉल स्टैक की ये टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। अब हम देखते आते हैं सेकेंड लेयर पे। वेब प्रोटोकॉल की सेकेंड लेयर जो है वो सेशन लेयर है। सेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम है टू एस्टेब्लिश द सेशन, है ना, सेशन को एस्टेब्लिश करना, यानी कि जब भी यूज़र जो है वो इंटरनेट पर कुछ कर रहा है, इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहा है, अगर वो किसी वेबसाइट से जुड़ता है, किसी पोर्टल में लॉगिन करता है, तो वो सेशन क्रिएट हो जाएगा। जब पोर्टल से लॉग आउट करेगा तो सेशन एंड होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है सेशन को स्टार्ट करना और एंड करना, ये जो है इसकी प्रोसेस के लिए WSP ये इसकी लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा जो है लेयर हम देखते हैं ट्रांजेक्शन लेयर। ट्रांजेक्शन लेयर का जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ WTP वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। इसका कार्य है टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी टू ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, यानी कि कोई भी जो मोबाइल की सर्विसेज हैं ट्रांजेक्शन, जिसमें कि डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है, यानी ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ मनी ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांजेक्शन का मतलब है कि किसी वेब पेज को खोलना, वेब पेज को देखना, वेब पेज को बंद करना, या पोर्टल में लॉग इन करना, या पोर्टल से लॉग आउट करना, ये सब ट्रांजेक्शन है। तो इन सब, इस पूरी प्रोसेस को ज़्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है और ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है वायरलेस ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल। हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांजेक्शन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो एक नया प्रोटोकॉल लेयर है, क्योंकि ये लेयर जो है वो हमको नॉर्मली TCP/IP प्रोटोकॉल में देखने को नहीं मिलती है, है ना। या फिर ये हो सकता है कि ट्रांजेक्शन लेयर के जो कुछ फंक्शंस हैं वो सिमिलर टू TCP लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पर इस लेयर के बारे में हमने बात की। अब हम चलते हैं फोर्थ लेयर पर, जो कि है सिक्योरिटी लेयर। सिक्योरिटी लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो है वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टू प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लेयर जो है वो सिक्योरिटी के लिए जोड़ी गई है, है ना। इस तरह की लेयर जो है वो हम देखेंगे कि TCP/IP प्रोटोकॉल में जो है वो सिक्योरिटी लेयर नाम की कोई लेयर नहीं है, है ना।
लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जोड़ी गई है क्योंकि यहाँ पर वायरलेस मीडियम का उपयोग किया जा रहा है डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो जब जहाँ पर वायरलेस इंफॉर्मेशन जाती है तो वहाँ पर नॉइस या इंटरफेरेंस या हैकिंग इस तरह के या डिस्टॉर्शन ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, हो जाती हैं वायरलेस मीडियम में। तो उन सब से सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए यहाँ पर वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर का उपयोग किया जा रहा है। फिर हम चलते हैं इसकी पांचवी लेयर पर वेब प्रोटोकॉल स्टैक के। इसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर और इसके जो प्रोटोकॉल का नाम है वो है वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ डेटाग्राम्स और पैकेट्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। इट इज़ सिमिलर टू टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। तो WP जो है वो अपने TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर से सिमिलर है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो जो फंक्शंस होते हैं वो पूरे फंक्शंस जो है वो WDP लेयर करती है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो मूवमेंट ऑफ पैकेट्स है, यानी कि पैकेट्स का आना और पैकेट्स का जाना सेंडर से रिसीवर के बीच में, ये पूरा डिफाइन तय करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो वेब है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसमें पांच लेयर्स हैं यहाँ पर। इन फाइव लेयर्स के नाम हमने देखे यहाँ पर और इन सब से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने उनके फंक्शंस यहाँ पर अभी हमने स्टडी करे, ठीक है। तो और हमने ये भी देखा कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन लेयर एक्स्ट्रा में है और सिक्योरिटी लेयर एक्स्ट्रा में है, जो कि हमको इंटरनेट के TCP/IP प्रोटोकॉल में देखने को नहीं मिलती है। बाकी TCP/IP लेयर में एप्लीकेशन लेयर भी होती है, सेशन लेयर भी होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर भी होती है। तो ये इसलिए ये दो लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा वेब प्रोटोकॉल में हैं। तो इस तरह से वेब प्रोटोकॉल के माध्यम से जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो इंटरनेट के सारे फीचर्स को बहुत ही ईजिली यूज़ कर पाते हैं। अब हम देखते हैं करंट सिनेरियो ऑफ वेब, है ना, यानी कि अब वेब जो है इसका करंट सिनेरियो क्या है। पॉइंट नंबर वन, वेब टेक्नोलॉजी बिकेम ऑब्सोलेट इन 2019 बिकॉज ऑफ एनहेंसमेंट इन द मोबाइल फोन्स नाउ कॉल्ड स्मार्टफोन्स विच हैव हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि 2019 यानी हम समझ लें कि पिछले ही साल की बात है, जब ये वेब टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट जो है वो बताया गया या घोषित कर दिया गया, है ना। तो जो है ये क्यों हुआ, क्योंकि अब जो है हमारे हाथ में जो फ़ोन्स हैं वो स्मार्टफोन्स हैं। स्मार्टफोन्स की कॉन्फ़िगरेशन आप सोचेंगे बहुत ही हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है। आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसकी रैम भी हमको बहुत हाई मिल रही है, 4 GB की रैम मिल जाती है हमको, है ना, और अच्छे हाई एंड प्रोसेसर्स हैं और इंटरनेट और इंटरनल मेमोरी जो है वो भी हमको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, 32 GB वगैरह, है ना, इससे भी ज़्यादा मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे हाथ में छोटा सा फ़ोन है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टफोन है और हाई कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन है, ज़्यादा प्रोसेसिंग कर, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग कर लेता है, यानी कि अब ये इंटरनेट पे जो अवेलेबल डेटा और कंटेंट है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये फ़ोन। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजीज लाइक 3G 4G ऑफर्ड एनहेंस डेटा रेट्स। तो इसके साथ ही दो बातें हुई, एक तो स्मार्टफोन्स आ गए, दूसरा जो मोबाइल की टेक्नोलॉजीज हैं वो भी एनहेंस हो गई, जैसे कि 3G आ गई, 4G आ गई, और ये दोनों टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बहुत हाई डेटा स्पीड जो है वो यूज़र्स को दे रही हैं, है ना, हाई डेटा स्पीड दे रही हैं। तो इस तरह से यूज़र जो है अब जो फ़ोन्स हैं दे आर वेरी रेडी टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द इंटरनेट, है ना, दे आर फुल्ली लेवरेज्ड, फुल्ली रेडी टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, नाउ स्मार्टफोन कैन डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट कंटेंट विदाउट नीड ऑफ वेब गेटवे, सो वेब हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, है ना। तो आज के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उस पर आप देखिए जो ब्राउज़र हैं वो कितने अच्छे आ गए हैं, ब्राउज़र्स, है ना, बहुत फास्ट ब्राउज़र्स आ गए हैं और उनमें सारी फैसिलिटी हैं जो कि एक कंप्यूटर के ऊपर जो ब्राउज़र में हमको मिलती हैं वो सारी फैसिलिटी हमको अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में भी मिल जाती हैं, है ना।
तो इस तरह से स्मार्टफोन्स इतने एनहेंस हो गए हैं, इतने अच्छे फीचर्स के आ गए हैं कि अब जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अभी अभी ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई है, अभी तो भी ये जो है कहीं कहीं पर यूज़ होती होगी, लेकिन अब जो है ज़्यादातर वेब जो है वो ख़त्म हो गया है। तो वेब जो है लगभग 2000 में आया था और लगभग 2019 में गया। इसके बीच में वेब टेक्नोलॉजीज़ ने अपने मोबाइल यूज़र्स को बहुत अच्छी सर्विस दी, इंटरनेट से जुड़ने की बहुत अच्छी सर्विसेज दी, लेकिन अब जो है वेब का उपयोग लगभग बंद हो गया है। तो ये हमारा जो है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। आज के लेक्चर में हमने मुख्य रूप से दो चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा WLL यानी वायरलेस इन लोकल लूप के बारे में पढ़ा, जो कि यूज़र्स को लास्ट माइल वायरलेस कनेक्टिविटी देता है। उसके बाद हमने वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पढ़ा, जो कि मोबाइल यूज़र्स को इंटरनेट कनेक्शन की सर्विसेज लेने की सुविधा देता है। हमने वेब के प्रोटोकॉल्स को भी पढ़ा, प्रोटोकॉल स्टैक देखा और प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जाना। तो मैं समझती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही सरलता से, सुगमता से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा अगला लेक्चर भी देखना चाहेंगे। तो चलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। गुड बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।